नमस्कार का फिर स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और आज हम फिर से हाजिर है हर रोज की तरह महाराष्ट्र की 20 बड़ी खबरों के साथ। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावना से किया इनकार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का दावा, जल्द गिर जाएगी गोवा की भाजपा सरकार। ट्रेड यूनियन नेता शशांक राव नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में हुए शामिल। गडकरी ने विपक्ष पर किया बड़ा हमला, कहा मोदी के विरोध के लिए एकजुट हुए विरोधी। महाराष्ट्र सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया के सौंदर्यकरण की योजना बनाई। भाभी जी रही शिल्पा शिंदे के आते ही कांग्रेसी कुनबे में कला। एनएसए के तहत मुसलमानों पर हुई कार्रवाई, तो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने कमलनाथ से पूछा सवाल। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान का बड़ा बयान, कहा राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे एक साथ। मिल मजदूरों के घरों पर शिवसेना का ग्रहण, विरोध में उतरी पार्टियां। कांग्रेस जनसंघर्ष पर सभा की हुई शुरुआत। रेलवे ने दिए राज्य में सफर को आसान बनाने के संकेत। मुंबई में बड़ी तोंद वाले पुलिस वालों की हुई पहचान, फिट करने के लिए शुरू हुआ अभियान। मेहुल चौकसी का बंगला बना चोरों की ऐशगाह। रवि पुजारी की गिरफ्तारी से उड़ी बिल्डरों की नींद। महाराष्ट्र में ग्रुप सी और डी के लिए निकले 4400 पदों के लिए आए 8,00,000 आवेदन, विपक्ष ने दागे सवाल। मरम्मत कार्य के लिए मुंबई हवाई अड्डे का रनवे बंद होने के कारण विमानों का किराया बढ़ा। मुंबई में आतंकी साजिश का भंडाफोड़। आईएसआईएस का इरादा था मुंबरा के 400 साल पुराने प्राचीन शंकर मंदिर के भंडार के खजाने में जहर मिलाकर के तबाही मचाने का। भारतीय मूल की नीला विखे पाटिल बनी स्वीडन प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार। मुंबई में अब पुलिस की जगह ट्रैफिक संभालेंगे रोबोट, होगा बड़ा बदलाव। पर घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले एक्सप्रेसवे का पीएम जल्द करेंगे भूमि पूजन। यदि महाराष्ट्र से जुड़ी 20 बेहद ये अहम खबरें, हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। देखते रहे हमारे न्यूज चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।